स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर है द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन सर्कल। देखिए, फीडबैक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ। मतलब अगर आपकी एक कम्युनिकेशन किसी के साथ हो रही है और वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, तो वो अगर उस आपकी बातों को समझने के बाद कुछ रिप्लाई कर रहा है, और चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में है, लेकिन वो फीडबैक कहलाया जाता है। तो वो फीडबैक आपके काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड में क्या है, कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मैसेज फॉर वन फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप टू अनदर पर्सन और ग्रुप थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साइन सिंबल्स एंड सेमेस्ट्री रूल्स। कि आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो कहता है एक ऐसा वे है जिसमें आप एक पर्सन से या बहुत सारे पर्सनों के साथ आप उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने साइन के साथ सिंबल्स के साथ अपनी सिमेट्री रूल्स, कुछ जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं ना कि हाँ भाई सिंबल, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको किसके साथ पोलाइटली बात करनी है, लाउडली नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर आपका कम्युनिकेशन बनता है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिजर्व फॉर द लेटिन वर्ड कम्यून्स। कि जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड के साथ। तो कम्यूज नाम बना है इसका, विच मीन्स टू इम्पैक्ट टू द शेयर टू पार्टिसिपेट। कि इसका मीनिंग बनता है कि आप इम्पैक्ट शेयरिंग कर रहे हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी कम्युनिकेशन में। इट इज़ प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंजिंग फैक्ट्स आइडिया और ओपिनियन विद वन अनदर। कि यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हो। आपका आइडिया भी हो सकता है, आपके ओपिनियन हो सकते हैं, तो आप दूसरे पर्सन को अपने आइडियाज ओपिनियन बताते हो, तो वो आपको समझता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एड्स मीन्स टू द ह्यूमन लाइफ। कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ के अंदर। इट इज़ हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड प्रमोट्स लव एंड अंडरस्टैंड। कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आपके रिलेशंस को बिल्ड करती है, कि आपके बीच का जो लव है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव हो सके और आप अच्छे से सर्वाइव कर सको। इट इंड्राइज ओवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एंड मेक्स लिविंग वॉटलेस। कि क्या कहते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो, देखो कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जब आप किसी की थॉट सुनते हो तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका जो माइंड है, थॉट है, आपके विचार हैं, वो सब जो हैं आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हो। कम्युनिकेशन इज एन स्किल टू बी लर्न। कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसको हमें लर्न करना ज़रूरी है। थ्रू ह्यूमन बींग आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू टॉक बट ओनली हैज़ टू मेक स्पेशल एफर्ट्स टू डेवलप एंड रेफरिंग द कॉम्प्लेक्स स्किल्स टू कम्युनिकेट। कि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा ऐसा है इस धरती पे जो बॉर्न हुए हैं, जो कि बातचीत कर सकते हैं और ऐसी एबिलिटी हासिल कर सकते हैं कि वो अपने कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल्स हों वो उनको पा सकते हैं एफर्ट के थ्रू, ठीक है, उनका डेवलप कर सकते हैं। आगे कम्युनिकेशन साइकिल है। कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ गिविंग रिसीविंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडिया एंड ओपिनियन सो दैट द मैसेज इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय द बोथ टू द इन्वॉल्व पार्टीज द सेंडर एंड रिसीवर। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंजिंग कर रहे हो। आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन हो गया, आइडिया हो गया या ओपिनियन हो गया, ये सब आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। और सबसे है कि आपके जिसके साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो वो आपकी बात को अंडरस्टूड कर रहा है, समझ रहा है। और इसमें दो चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर मीन्स जैसे कि इस वक्त मैं हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ ना, और आप हो रिसीवर जो आप मेरी इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हो। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द सेंडर मैसेज इनकोडिंग
कम्युनिकेशन चैनल रिसीव डिकोडिंग एंड फीडबैक, कि जो जो आपका प्रोसेस है कम्युनिकेशन का करें कि वो सेंडर के थ्रू मैसेज सेंड होता है वो इनकोड कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है, रिसीव किया जाता है और उसको फिर डिकोड किया जाता है और उसका फिर फीडबैक दिया जाता है। अब ये इसका मीनिंग देखो थोड़ा अलग है। देखो इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेशल लैंग्वेज के लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर ये है कि अगर आप मान लो एक सेमिनार में हो और सामने वाला अगर कोई अपना स्पीच दे रहा है, तो देखो हम टोटली अगर स्पीच को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो देखो हमें उन पॉइंट्स को अंडरलाइन, मतलब हम अंडरलाइन करते हैं ना कि हाँ यार उसने ऐसा बोला, तो हम वो जो है इनकोडिंग, वो बोल रहा है, वो इनकोड कर रहा है और आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो और डिकोड कर रहे हो कि अच्छा यार उसने ऐसा बोला था, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो रिसीवर आप हो और उसके बाद आप उसका फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। द कम्युनिकेशन साइकिल रिवॉल्व्स अराउंड इट्स टू मेजर कॉम्पोनेंट, कि जो कम्युनिकेशन है वो जो चलता है वो दो मेजर कॉम्पोनेंट्स के ऊपर चलता है, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। द ट्रांसमिशन ऑफ द सेंडर आइडिया टू द रिसीवर एंड रिसीवर फीडबैक और रिलेशन रिएक्शन टू द सेंडर फॉर्म द कम्युनिकेशन साइकिल कह रहा है कि जो ट्रांसमिशन है, अगर सेंडर जो है अपने आइडियाज़ को सेंड करता है और रिसीवर जो है उस आइडिया को रिसीव करता है, उसके बाद उसको फीडबैक देता है, तो कह रहा है ये प्रोसेस जब कंटिन्यूसली रिएक्शन में आता है तो इसको हम कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर wants to convey affect idea opinion or other information to the someone or receiver, कि ये जो process होता है communication start करने का, ये जो आपका जो sender है वो क्या करता है, convey करता है एक idea, एक आपका उसका fact है, idea है, opinion है, information है, जो वो दूसरे को देता है, तो जिसको दे रहा है वो receiver हो सकता है, ठीक है। the fact idea or opinion has a meaning टू द सेंडर, कि जो उसके जो फैक्ट्स हैं, आइडिया हैं, जो ओपिनियन हैं, उनका सेंडर का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर बनता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द लैंग्वेज, सबसे पहला जो सेंडर का जो मेन टाइम वो क्या होता है कि वो जो मैसेज सामने वाले को दे रहा है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, कि कौन सी लैंग्वेज पे उसको वो दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट द आइडिया, क्योंकि वो जो जिस लैंग्वेज में वो दे रहा है, क्या विच यहाँ लिखा है ना मैसेज इनटू द लैंग्वेज विच रिफ्लेक्ट द आइडिया, कि जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है क्या उसका आइडिया रिफ्लेक्ट हो रहा है सामने वाले के पास, विच इज़ नोन एज इनकोडिंग, कि अगर वो अपने आइडिया सामने वाले को दे रहा है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर और वो इनकोड हो रहा है प्रॉपरली आर नॉट। द इनकोड प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट ऑफ द मैसेज, कि जो इनकोड प्रोसेस होता है वो आपके मैसेज की कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। द फैमिलियरिटी ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर एक्सेट्रा, और डिपेंड ये भी करता है कि आप फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे हो, ठीक है ना, कि फैमिलियरिटी होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में, मतलब कि फैमिलियर मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसको सेंडर और रिसीवर दोनों अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि हम देखो घर में हैं, घर में हम देखो गढ़वाली बोलते हैं, कभी कभी हिंदी बोलते हैं, तो वो हम फैमिलियर हैं, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में आते हो तो आप इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, वहाँ गढ़वाली तो यूज़ होती नहीं है, तो आप जिस तरह का माहौल होता है आप उस तरीका से रिएक्ट करते हो, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग करें सामने वाले को, जिस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड होगा आप उसी तरीके से करोगे, तो जो लैंग्वेज आपकी फैमिलियरी होगी वही चलेगी आपकी। आफ्टर द मैसेज हैज़ बीन इनकोडेड, कि जब आपका मैसेज इनकोडेड हो जाता है, इट इज़ कन्वेड और ट्रांसमिटेड थ्रू अ अप्रोप्रिएटिव चैनल और मीडियम, कि जब आपका मैसेज इनकोड हो जाता है उसके बाद जब आप उसको कन्वे करते हो, ट्रांसमिट करते हो किसी प्रॉपर मीडियम चैनल और मीडियम के थ्रू, तो व्हेन द मैसेज इज रिसीव्ड, जो मैसेज रिसीव्ड होता है इट डिकोडेड बाय द रिसीवर विच गिव्स द फीडबैक टू सेंडर, कि जब रिसीवर जो है उसको डिकोड करता है और अपना फीडबैक देता है सेंडर को, एज द
कंफर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर मैसेज हैज़ बीन क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट, कि वो जो रिसीवर होता है वो जब सेंडर को फीडबैक देता है तो वो इस बात का क्लियरली ध्यान रखता है कि उसको वो मैसेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है. कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी. जो कम्युनिकेशन है वो सबसे मेन पार्ट रखता है सोसाइटी का, कि वो किस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो. इट हैज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन, कि ये ह्यूमंस के इंटरेक्शंस पर बेस्ड होता है. कम्युनिकेशन साइकिल एक्सप्लेन हाउ टू सिस्टम ऑफ कन्वेइंग एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑपरेटर्स, कि कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करता है, एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता है कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो वो सामने वाला उस मैसेज को अंडरस्टूड कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि सामने वाला जब अंडरस्टूड करेगा तो ही तो आपको फीडबैक देगा. कम्युनिकेशन इज़ अ एक्सचेंजिंग प्रोसेस. कम्युनिकेशन इन एक्सचेंजिंग प्रोसेस फॉर द एक्सचेंजिंग टू द कम्प्लीट द इंफॉर्मेशन मस्ट गो बैक फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्ट. कि देखो, जब आपने एक सेंडर ने एक मैसेज जो है बोला, रिसीवर के पास मिला, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद जब वो उस चीज़ का रिप्लाई करेगा दोबारा से सेंडर को, तो वो देखो, तो वो जो कह रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन गो बैक टू द सेंडर, तो वो इन्फॉर्मेशन सेंडर के पास दोबारा चली जाएगी, तो सो दैट द सेंडर कैन नो द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, कि ताकि सेंडर जो है ये समझ सके कि रिसीवर ने कौन क्या मुझे रिप्लाई किया है. द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक. तो जब आपका जो रिसीवर है आपको कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है, तो उसको हम फीडबैक कहते हैं. ओके, इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि इस सारे प्रोसेस में, पूरे के पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में देयर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कि क्या कि सारे के सारे कम्युनिकेशन में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए आपको. तो एट एनी लेवल, किसी भी लेवल में, विच इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, कि ऐसी सिचुएशन को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं. इट मे अराइज एट द सेंडर साइड ऑफ इन अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द मैसेज इज चूजन, और द रिसीवर सेड इट द मैसेज नॉट डिकोडेड अप्रोप्रिएटली. कि देखो, जो आपका सेंडर है, अगर आपका रिसीवर ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं. तो इसका मतलब यह है कि जब सेंडर ने आपको किसी माध्यम से, किसी लैंग्वेज के थ्रू आपको वो समझाने की कोशिश की, देखो वो मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, वो एक्शंस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है, मतलब कि ये सारे आपने पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं. तो अगर आपने वो डिलीवरी होने के बाद, मतलब कि उसने वो सारी चीज़ डिलीवर कर दी आपको, तो चलो जब डिलीवर हो चुके हैं तो रिसीवर के पास जब वो आता है, अब वो उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाया नहीं कर पाया, उसको डिकोड कर पाया नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ा रोल प्ले होता है. तो अगर ऐसा सिचुएशन आता कि उसको नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब है ब्रेन ड्रेन हो गया. तो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, देखिए, सेंडर इनकोड मैसेज किया, इनकोड किया, फिर वो किसी चैनल मतलब लैंग्वेज है वो, फिर यहाँ लैंग्वेज होगा, यहाँ आपका साइन लैंग्वेज हो सकता है, फिर उसको डिकोड किया गया, और उसके बाद रिसीवर ने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को सीधा सेंडर को दे दिया. तो ये एक प्रोसेस है. सेंडर जो है वो एक मैसेज सेंड करने वाला होता है. मैसेज जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है जो सेंडर के द्वारा सेंड की जाती है. इनकोडिंग का मतलब होता है, देखिए, इनकोडिंग चूज द कोड टू मैसेज इन अप्रोप्रिएट फॉर्म एंड सेंडिंग, कि ये एक वे है कि मैसेज को किस तरह से हम सेंड कर सकें. चैनल का मतलब होता है मीडियम बाय द विच द मैसेज इज कन्वे ऑन सेंड, कि चैनल मतलब कि वो मैसेज किसके द्वारा वो सेंड हुआ है. आप वर्बली बोल रहे हो तो टॉकिंग के थ्रू हुआ है, आप एक्शन कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग दिमाग के थ्रू भी कर सकते हो. रिसीवर जो है ये आपकी रिसीवर जो है वो आपके इंटायर मैसेज को देखता है, समझता है, और दोबारा रिसीव करता है सारे के सारे मैसेज को, और फिर उसको सेंड करता है, ठीक है. फिर उसके बाद डिकोड किया जाता है. डिकोड का मतलब है कि वो जो मैसेज आया है वो अंडरस्टैंडिंग
है कि नहीं है, डिकोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फीडबैक जो है कि जब उसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है तो वो जो रिसीवर है वो उसका फीडबैक प्रॉपरली रिप्लाई करेगा, किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता है। नाउ नेक्स्ट इज योर मैनेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ फीडबैक, सॉरी मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ फीडबैक, सॉरी ये आपका कि फीडबैक के इम्पॉर्टेंस और मीनिंग क्या है। कहता है फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच द इफेक्ट और आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न बाय द मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन। कि जो फीडबैक है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके विच इफेक्ट, जो कि इफेक्ट करता है किसी आउटपुट को, आपके एक्शन को, एक्शन इज रिलेटेड टू मॉडिफाई आप, मतलब कि जब आप किसी सेंडर के द्वारा कुछ चीज़ लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसमें उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करते हो और फिर उसको रिटर्न करते हो मॉडिफाई करके नेक्स्ट एक्शन के लिए, ठीक है ना। आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, फिर वो उसका फीडबैक बना, उसने उसको रिप्लाई किया, तो इसी तरीके से जो है आपका फीडबैक चलता रहता है। फीडबैक इज द ट्रांसमिशन ऑफ evaluate information about an action, event or process to the original or controlling source। कि जो feedback है एक ऐसा transmission है जो कि आपकी information को या आपके actions को, events को या और processing को originally controlling करता है source को, ठीक है। सब कुछ आपका feedback में आता है। It is a way to let the pupil know how effective they are in, कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू ये पता लगता है कि जो प्यूपल है वो कितना इफेक्टिव है, व्हाट दे आर टाइपिंग टू अचीव, कि वो क्या टाइप कर रहा है जिसको वो अचीव करना चाहता है, और हाउ दे इन्फ्लुएंस यू, कि वो किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखो आपको इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आप उसकी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे आप देखो किसी सेमिनार में जाते हो ना, जब आप किसी सेमिनार में जाते हो तो आप देखते हो ना कि जो वहाँ पर स्पीकर होता है वो इस तरह से अपनी बात को रखता है कि सारे के सारे जो लोग हैं सामने बैठ रखे वो सारे उसकी बातों से इंस्पायर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये वो उस चीज़ के बारे में है। इट प्रोवाइड अ वे फॉर पीपल टू लर्न हाउ दे इफेक्ट द वर्ल्ड, कि ये एक तरीका है कि आप किस तरह दुनिया को इफेक्ट करते हो अपनी लर्निंग से, प्रोसेस लर्निंग से, प्रोसेस लर्निंग है आपकी, कि किस तरह से आप करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो। फीडबैक इज़ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन बैक टू द इंडिविजुअल और ग्रुप अबाउट देयर प्योर बिहेवियर, सो दैट दे मे एडजस्ट देयर करंट एंड फ्यूचर बिहेवियर टू अटेंड द डिजायर रिजल्ट। कि ये देख सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहता फीडबैक एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आपको एक इंडिविजुअल और ग्रुप को जो आप मैसेज देते हो उसके बाद वो जो फीडबैक देते हैं तो आपका उनका जो बिहेवियर है किस तरह से उन्होंने आपको अटेंड किया है, मतलब आप अटेंड करने के बाद आप उसी धारणा से आगे का प्लानिंग कर सकते हो कि आपको किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करना है, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो कोई आपसे अगर बदतमीजी से करता है तो नॉर्मली इंसान जो होता है पहले तो पोलाइटली से ही बात करता है, लेकिन अगर वो और ज़्यादा बदतमीजी से करता है तो हो सकता है कि उसका बोलने का जो टो है स्टार्टिंग में सॉफ्टली था, फिर थोड़ा सा रूडली हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा और वो भी तेज़ी से बोल रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि जिस तरह से सामने वाला आपको बोल रहा है तो आप उसी तरीके से उसको रिप्लाई करोगे। तो ये आपका फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से है। कह रहा कि फीडबैक ऑकर्स व्हेन द एनवायरनमेंट रिएक्ट्स टू अ एक्शन और बिहेवियर, कि जो फीडबैक है वो डेफिनेटली क्या कहते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट रिएक्ट करता है जो आपके एक्शन और बिहेवियर के ऊपर चलता है। फॉर एग्जांपल ए कस्टमर फीडबैक फ्रॉम प्रोवाइडिंग बायर्स रिएक्शंस टू द प्रोडक्ट सर्विस और पॉलिसी, कि अगर कस्टमर जो है अपना फीडबैक दे रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में और वो जो है वो उसका जो रिएक्शन है उसकी जो वो हर चीज़ को जो आपको मिल रहा है कि उसको आगे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कि किस तरह से सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर्स को, ठीक है ना।
एंड आई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फीडबैक प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एबिलिटी टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर टू द कंपनी. तो यहाँ पर ये भी है कि द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो भी एक है कि वो किस तरह का फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं देते हैं कि जो वर्कर्स हैं सॉरी जो वर्किंग है एम्प्लॉय जो है कंपनी में वो किस तरह से आपके साथ तालमेल बिठा के चल रहे हैं. दीज फीडबैक्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस. फीडबैक इज बेनिफिशियल टू ऑल, कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इस तरह की जो फीडबैक्स होती हैं चाहे वो कस्टमर की हैं चाहे वो कंपनी में हैं, वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं. तो कहते हैं फीडबैक्स इज़ अ बेनिफिशियल ऑफ ऑल, कि फीडबैक जो है वो सबके लिए बेनिफिट्स लेकर आती है. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एंड डेवलप द एफिशिएंसी, कि ये एक ऐसा तरीका है कि जो आपकी आपको आगे बढ़ने की आपके फ्यूचर प्लानिंग को डेवलप करने के दे सकता है और आपकी इफिशेंसी को भी डेवलप करवाता है. वेदर इट इज़ एन इंडिविजुअल ग्रुप बिजनेस बिजनेस यूनिट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द फीडबैक कैन बी यूज टू टेक बेटर डिसीजन, कि चाहे आप इंडिविजुअल हो ग्रुप में हो बिजनेस में हो या बिजनेस की कोई यूनिट हो आपके पास या कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक बेटर डिसीजन ले सकते हो. इट ऑल्सो अलाउ अस टू बिल्ड एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद अदर, कि ये आपको बिल्ड करता है, मतलब आपको बनाने की वो देता है, अलाउ करता है कि आप जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन कर सको अपने साथियों के साथ, बिल्ड कर सको. ठीक है, इफेक्टिव फीडबैक इफेक्टिव फीडबैक बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ वेरी यूज़फुल, कि देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो आपका फीडबैक होता है वो आपका चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों आपको कुछ सिखाते हैं. पॉजिटिव है तो आपको ये होता है कि मुझे और अच्छा करके दिखाना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको ये लेकर चलना होता है कि आप किस तरह से अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में चेंज कर सको. तो आपको कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए दोनों पहलू लेकर चलने पड़ते ही हैं. क्या फीडबैक देयरफॉर इज़ द विजुअल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कि जो आपका फीडबैक है वो एक ऐसा विजुअल क्रिएट करती है कि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को ले सको. इट इज़ इंफॉर्मेशन वी ऑल नीड टू इफेक्ट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल, कि जो आपका फीडबैक है वो किसी भी हर जगह आपको नीड होती है उसकी. क्यों? क्योंकि आप पर्सनल भी हो तो भी आपको फीडबैक चाहिए, और अगर आप प्रोफेशनल में हो तो भी आपको फीडबैक चाहिए. प्रोफेशनल आपकी जॉब से कंसल्ट है, अगर अच्छा काम दोगे आपका अच्छा लोगों के आपके कलीग्स के साथ अच्छा टॉकिंग होगा तो कलीग आपको बहुत अच्छा मान के चलेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे. और घर में अगर आप हो और अगर आप घर में भी अपना फीडबैक चाहते हो कि हाँ, तो घर में ही क्या है, आपको अगर दूसरों के साथ सहयोग करके चलो, दूसरों की बात मान के चलो, बड़ों की बात जैसे होते हैं छोटों से प्यार, तो वो वहाँ पर भी आपका तो मतलब कि प्यार पोलाइटली वाली लैंग्वेज चाहे वो आप घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो वो बहुत काम आती है. फॉर इवन द मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव लीडर्स एक्चुअली लुक फॉर फीडबैक इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कहते हैं बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देते हैं, फीडबैक को, कि ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. दीज लीडर्स नेचुरली रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ फीडबैक, कि ये जो लीडर्स होते हैं ये हमेशा फीडबैक की जो पावर होती है इसको रिकॉग्नाइजिंग करते हैं, ताकि उनकी फीडबैक को लेकर ये अपना और भी अच्छा आगे का प्लानिंग करके लेके चल सकें. टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज कंसिडरेटली सर्च फॉर वे टू मेक देयर बेस्ट एवर बेस्ट बेटर,
कि जो आपकी कंपनीज आती हैं वो भी जब कंसिस्टेंटली वर्कआउट करती हैं तो वो चाहती हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट से बेटर और एक्सीलेंट हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। तो फॉर टॉप परफॉर्मिंग कंपनी कंटिन्यूइंग इम्प्रूवमेंट इट्स नॉट जस्ट अ शोए, कि कह रहा है कि जो टॉप कंपनीज होती हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करती हैं। तो क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपना रिज़ल्ट और बेटर और अच्छा करना चाहती हैं। तो वो जब करेंगी तो उनको क्या होगा, कहता है उनके लिए, कहता है इट इज़ ट्रू फोर्स बिकॉज बेस्ड ऑन बैक फीडबैक फॉर एक्सेस ऑल द स्टेक होल्डर इन ओवर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉय, सप्लायर, वेंडोर एक्सेट्रा, कि जो बड़ी कंपनी होती है उनको क्या करता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हर एक थिंग के ऊपर वॉकआउट करना पड़ता है कि उनके कस्टमर कैसे हैं, रेगुलर हैं, क्लाइंट कैसे हैं, उनके एम्प्लॉय कैसे हैं, उनके साथ कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं उनकी कंपनी में फ़र्क पड़ेगा। मतलब अब इसमें से देख लो, अगर आप मान लो एम्प्लॉयर जो हैं, एम्प्लॉय जो हैं वो कंपनी के साथ उनका अच्छा तालमेल नहीं है, तो डेफिनेटली उनका जो बेटर करने की कोशिश में वो फिर वॉस्ट हो जाएगा। Such companies are good and accepting feedback because they know that it is helpful only when it's highlight weakness as well as strength. कह रहे कंपनी जो हैं वो फीडबैक को हमेशा एक्सेप्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनको जो दूसरे लोग हैं वो हाईलाइट करें उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि उनके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स, ठीक है ना। इफ़ेक्टिव फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि इफ़ेक्टिव फीडबैक जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट हेल्प्स पीपल गेट ऑन ट्रैक, कि ऐसे में जो पीपल होते हैं वो सही ट्रैक में आ जाते हैं। इट सर्वे आर गाइड टू असिस्ट पीपल टू हाउ दे एंड अदर प्रिजर्व देयर इंफॉर्मेशन, कि ये बताते हैं कि देखो आप, ये गाइड करता है कि दूसरे लोग आपके बारे में कैसा रखते हैं, तो आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आप दूसरों के बारे में, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब डिपेंड करता है। इट कैन बी वेरी मोटिविंग एंड एनर्जिंग, कि ये फीडबैक जो है आपको हमेशा मोटिविंग और एनर्जेटिक फील करवाता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंक टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि आपके एम्प्लॉय के साथ एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है ताकि आप जो है एक अच्छा हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट कर सको। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड बिलोंगनेस, कि आपके एम्प्लॉय या किसी के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव करें और वो आपको अच्छे से समझे। पीपल लाइक्स टू फील इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाइड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि पीपल जो हैं वो ऐसा फील करें, अच्छा फील करें, कि ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकें, अपनी आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसे हैं। पीपल फील इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ व्हेन आस्क्ड टू गिव फीडबैक एज इट गिविंग इम्पॉर्टेंट टू देयर ओपिनियन, कि पीपल जो हैं फील इम्पॉर्टेंट, अच्छा फील करते हैं, या वर्सली भी कर सकते हैं कि अगर उनको बोला जाए कि हाँ भाई हमें फीडबैक दो तो इट्स इम्पॉर्टेंट, उनका ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। कह रहा है इट्स मेक अस सेल्फ अवेयर, ये हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइडिंग अ गुड प्लेटफॉर्म, बट द फीडबैक फ्रॉम अदर इन्फॉर्म्स अस इन वे दैट इन राइज ओवर सेल्फ नॉलेज, कि आपको अगर सेल्फ अवेयरनेस करना है तो आपको सबसे अच्छा यही तरीका है कि आपको फीडबैक मिलना ज़रूरी है ताकि आप अपनी सेल्फ नॉलेज को भी बढ़ा सको। फीडबैक मोटिवेट टू परफॉर्म बेटर, कि जो फीडबैक है वो मोटिवेट करता है कि आप बेटर बन जाओ। फीडबैक फॉर क्लाइंट, सप्लायर, विडोर्स एंड स्टॉक होल्डर कैन बी यूज टू बिल्ड बेटर वर्किंग रिलेशन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, कि जो फीडबैक है वो
अगर आपका अच्छा फीडबैक होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस इम्प्रूव करता है, किसके साथ, आपके क्लाइंट के साथ, सप्लायर के साथ, और जो आपके स्टॉक होल्डर्स हैं उनके साथ इम्प्रूव करता है, ताकि आप एक जो रिलेशंस बिल्ड हो रहा है वो बेटर से बेटर हो सके. इट हेल्प्स फॉर्च्यून बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस. कि ये एक बहुत ही अच्छा वे है, कि अच्छा तरीका है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपने डिसीजन को इम्प्रूव कर सको, इंक्रीज या इंक्रीज कर सको परफॉर्मेंस को. फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कंटिन्यू लर्निंग. कि फीडबैक एक ऐसा टूल है जो कंटिन्यू लर्निंग सिखाता है. फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट अक्रॉस एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज और टू रिमेन अलाइन टू गोल, क्रिएट स्ट्रगल्स, डेवलप प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव सर्विस एंड रिलेशनशिप. कंटिन्यूड लर्निंग इन द की ऑफ इम्प्रूविंग. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपने फीडबैक से लर्निंग सीखते हो तो ये प्रोसेस आपको आगे अपने गोल तक पहुँचाने में हेल्प करता है. आपके पास चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव फीडबैक आए, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंजिंग लेना चाहिए, और आप को बेटरमेंट करने के लिए आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी सर्विस को, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सको, अपने प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट भी है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट को भी आप इम्प्रूव कर सको, ताकि आपका नाम हो. और ये सबसे अच्छा है, कंटिन्यूसली लर्निंग है. आपका फीडबैक से आपको कंटिन्यूसली लर्निंग मिलती है, और इससे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है. तो अच्छे से आप वीडियो को देखिए और उसके बाद लेसन को ज़रूर पढ़िए. बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक है. आपको पता होना चाहिए कि फीडबैक के क्या हैं, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट हमारे लिए वो हमेशा पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं. ठीक है, तो थैंक यू. आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में.